बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चर नंबर 30। लेट्स हैव अ लुक के हमने लेक्चर नंबर जो था 29 में क्या कुछ किया था। लेक्चर नंबर 29 जो था हमारा वो डेट वाज बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 19 एंड डेट इज़ रिलेटेड टू द सेल्स मिक्स कंसिड्रेशन के जब दो प्रोडक्ट जो थी वो बन रही होती हैं तो दो प्रोडक्ट को जब सेल किया जाता है तो उनमें से प्रोपोर्शन को निकाला जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल की जा रही है और कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल की जा रही है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी दैट इज़ द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमने देखा था, ऑपरेशनल लीवरेज को देखा था एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो हमने पढ़ा था एंड देन वी हैव स्टडीड द बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ द CVP द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हमें पढ़नी चाहिए थी उनको हमने देखा देन एंड हमने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है वो किया था व्हेन द कंपनी इज सेलिंग सो मैनी प्रोडक्ट। हमने ओवरऑल कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के बारे में जो है वो स्टडी किया था एंड देन ब्रेक इवन इन द सेल डॉलर जो है उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो चेक की थी कि अगर आपको सेल वॉल्यूम जो है वो निकालना हो, ब्रेक इवन जो है निकालना हो सेल में डॉलर अमाउंट में तो वो कैसे निकाला जाएगा। देन वी हैव स्टडी द हाई लो मेथड्स एंड देन द अजम्पशन अंडर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो चैप्टर है हमारा दैट इज़ बेस्ड ऑन द ऑपरेशनल बजटिंग चैप्टर नंबर 22। इसमें जो है वी विल टॉक अबाउट द बजटिंग जो है वो कैसे की जाती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को आपने अंडर कंसिड्रेशन रखना है और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम उसको एवेल्यूएट करेंगे कि जो हमने बजट प्रिपेयर किया था उसमें जो है कितना जो है हम सक्सेसफुल थे। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 22। जैसे हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही जब हमने जो है ये सब्जेक्ट जो है द अकाउंटिंग फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जो है अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है फॉर डिसीजन मेकर टू टेक द प्रॉपर डिसीजन। तो बजटिंग इज़ द वन ऑफ द पार्ट के जिसकी वजह से जो डिसीजन मेकर हैं वो अपना डिसीजन जो है वो बेटर ले सकते हैं या जो अपने गोल हैं उसको अचीव कर सकते हैं। द बजटिंग द बेसिस फॉर द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बजटिंग इज कम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल प्लान फॉर अचीविंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ए कम्प्रीहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान मीन के जिसमें मनी जो है वो इन्वॉल्व होती है टू अचीव द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल गोल। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल गोल जो है फाइनेंशियल मीन के कितने आपने अर्निंग करनी है, कितना आपका टारगेट है और ऑपरेशनल गोल मीन के कितनी आपने कॉस्ट जो है वो मेंटेन करनी है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो देयर आर टू थिंग प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हमारे पास क्या आता है, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव फॉर एक्विजिशन एंड द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कि हम प्लान करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे एक्वायर किया जाए और रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए। दिस इज़ कॉल्ड द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव आर अटेंड। क्या किया जाता है कि प्लानिंग में तो ये किया जाता है कि रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर किया जाए और कैसे यूज़ किया जाए और जो आपकी कंट्रोलिंग आती है इसमें क्या करते हैं द स्टेप टेकन बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए होते हैं उसको कैसे अटेन किया जाए उसको कैसे अचीव किया जाए, कैसे उसको पूरा किया जाए। तो मैनेजमेंट ऐसे स्टेप्स लेती है, ऐसे मेजरमेंट लेती है जिसकी वजह से उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है, उन रिसोर्सेज को जो है एक्वायर करती है फॉर मैनेजमेंट और स्टेप्स लेके उसको कंट्रोल किया जाता है। बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम बजटिंग के बजटिंग से कौन कौन से बेनिफिट जो से हैं हमें मिल सकते हैं। तो बजटिंग से जो हमें बेनिफिट मिलते हैं नंबर वन इज़ द एनहांस्ड मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
के जो मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इन्हांस किया जा सकता है। होता क्या है कि सपोज आपने जो सा नेक्स्ट 3 मंथ्स का बजट प्रिपेयर किया, जो कि हम आगे थोड़ा सा इस लेक्चर में नहीं हम आगे जाएंगे तो हम जो सा एक एक्चुअल एग्जांपल जो सी है वो करेंगे, तो क्या किया जाता है कि मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सा उसको इन्हांस कर दिया जाता है, उनको फिक्स कर दिया जाता है, टारगेट जो सा वो दे दिए जाते हैं कि आपने ये टारगेट जो सा वो अचीव करना है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के साथ, लाइक आपने आपको पता है कि आपने जो है वो 1 लाख यूनिट जो है प्रोड्यूस करने हैं, तो 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आपको डायरेक्ट लेबर इतनी चाहिए होगी, इनडायरेक्ट लेबर इतनी चाहिए होगी, लेबर कॉस्ट जो है वो इतनी चाहिए होगी, आपके पास कितनी लेबर अवेलेबल है, आपको कितनी इक्वायर करनी होगी, तो इन एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट किया जाता है। असाइनमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, असाइनमेंट दे दी जाती है लोगों को, लेबर्स को, मैनेजर्स को, कि वो डिसीजन मेक कर सकते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट मैटर्स इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव को, जो टारगेट मेंटेन किया जाता है। उसके बाद एट द एंड, जैसे लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो बजट हमने बनाया था, जो टारगेट हमने प्रिपेयर किए थे, हम उसको चेक करेंगे कि आया कि वो टारगेट जो थे वो हमने अचीव किए हैं कि नहीं किए, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस को जो है वो एवेल्यूएट किया जा सकता है। इसमें एक एग्जांपल ये भी दी जा सकती है कि लाइक आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स बनाने के 2-3 जो है वो यूनिट्स हैं, 2-3 फैक्ट्रीज हैं, तो आप दोनों तीनों फैक्ट्रीज को जो है वो असाइनमेंट दे देते एंड देन यू एवेल्यूएट कि अच्छा किस फैक्ट्री की लेबर्स ने जो है वो अपना टारगेट जो है ऑन टाइम अचीव कर लिया, और देन यू कैन गिव देम द इंक्रीमेंट, उनको जो है उनकी परफॉर्मेंस पे उनको बोनस दिए जा सकते हैं और उनको मोटिवेट किया जा सकता है। तो दीज आर द बेनिफिट दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम बजटिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट जो है वो आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, बुक में से देख सकते हैं, यू कैन फाइंड सम अदर बेनिफिट, बट दीज आर द 4 मेजर बेनिफिट्स ऑफ द बजटिंग। एस्टेब्लिशिंग बजटेड अमाउंट द बिहेवियरल अप्रोच। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि बजट प्रॉब्लम को जो है वो देखते हैं, देन सोल्यूशन Perceived unfair or unrealistic goal, कि जब बजट बनाया जाता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अनरियलिस्टिक गोल जो है वो या अनरियलिस्टिक टारगेट्स जो है वो अचीव करने की कोशिश की जाती है। लाइक सपोज आपके पास जो मशीनरी है उसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, डैट इज़ 50,000 पर मंथ। अगर आप टारगेट रख देते हैं कि जी मैंने 75,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पर मैं, तो दैट इज़ अनरियलिस्टिक कि वो टारगेट आपको अचीव करने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात ये लेबर आर की बात करते हैं, आप मैक्सिमम 10 आवर्स जो है लेबर से वर्क ले सकते हैं, लेकिन जो भी आपने टारगेट जो है वो रखा है उसको देखते हुए आपको 12 आवर्स या 14 आवर्स जो है लेबर से वर्क लेना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये प्रॉब्लम भी जो आती है, दिस इज़ आल्सो अनरियलिस्टिक। और उसके बाद द सेकेंड थिंग इज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द पुअर मैनेजमेंट एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको जो है स्लाइड पे भी नज़र आ रहा होगा, पुअर कम्युनिकेशन उसमें क्या होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय की एटीट्यूड की प्रॉब्लम आ जाती है, गोल्स अचीव नहीं हो रहे होते, कन्फ्लिक्ट आता है, देन जो है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान जो है वो, अगर मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉय को प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं देती, लेबर आर प्रॉपर नहीं दे रही, काम जो उनसे ज़्यादा ले रही है नॉर्मल स्टैंडर्ड आर से, और उसके बाद जो उनसे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक अनरियलिस्टिक गोल जब आपने डिटरमिन कर लिया कि ठीक है हमने इतने यूनिट जो उनसे वो प्रोड्यूस करने, उसके बाद क्या हुआ कि आपने कम्युनिकेट कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ को तो पता है कि इतने यूनिट नहीं प्रोड्यूस किए जा सकते, दे कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम 50,000 यूनिट इन ए मंथ, तो एम्प्लॉय क्या करेंगे कि वो जिनसे वो रेजिस्ट करेंगे कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, तो फिर प्रॉब्लम जिनसे वो आती है। सेकेंड थिंग जो उनसे हमारे पास आती है, दैट इज़ द सोल्यूशन। वट इज़ द सोल्यूशन? रीजनेबल एंड अचीवेबल बजट। तो ऐसा बजट जो बनाना चाहिए जो रीजनेबल हो, जो
अचीवेबल हो के जिसको अचीव किया जा सके। पहले हम एग्जांपल दी थी कि 50,000 यूनिट मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो आप 50,000 यूनिट की जो है वो प्रोडक्शन के बजट जो है वो पर मंथ बना सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं कि जी ठीक है हमने 75,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, तो व्हाट आर द अदर रिसोर्सेज के जिसकी वजह से 75,000 यूनिट जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आर वी रिक्वायर सम अदर मशीनरी ऑन रेंट, क्या किया जाएगा। तो रीजनेबल जो है एंड अचीवेबल बजट जो है उसको प्रिपेयर करना चाहिए। लेबर आवर्स को देख लें, ओके 10 आवर्स जो है वो लेबर काम कर सकती है जो हमारे पास अवेलेबल है, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, ओके वी कैन हायर 50% मोर लेबर टू प्रोड्यूस 50% मोर यूनिट्स। तो ऐसे भी किया जा सकता है। सेकंड जो चीज़ आती है जिसको जो इनके कम्युनिकेशन गैप आता है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन बजटिंग प्रोसेस। अब उसमें क्या करते हैं हम लोग के जो बजटिंग प्रोसेस है उसमें एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को शामिल किया जाता है, राइट। कि एम्प्लॉय को हम कहते हैं कि जी ओके जो लोअर लेवल से जो हम बजट को स्टार्ट करते हैं कि हम उनसे पूछते हैं कि ओके हमारा ये टारगेट है, तो आप हमें बताएं कि 75,000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, मैक्सिमम यूनिट जो है आप कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो आपको बताएंगे कि सर दिस इज़ द प्रॉब्लम, हमारी जो मशीनरी है अगर ये फुल कैपेसिटी में चलती है तो मैक्सिमम वी कैन प्रोड्यूस द 50,000 यूनिट, अगर हम जो है लेबर आवर इंक्रीज कर देते हैं तो देन वी कैन गो टू द 60,000 यूनिट, बट वी आर अनएबल टू अचीव 75,000 यूनिट पर मंथ। तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप टारगेट जो है वो 60,000 का रख लेते हैं, एंड देन उसके बाद आप आगे जो कंपनी को आपने सप्लाई करना है तो उसको बता देते हैं कि वी हैव दिस मैक्सिमम कैपेसिटी, तो हम इससे ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, सो वी कैन सप्लाई यू मैक्सिमम 60,000 यूनिट। अब उसमें आपको क्या एडवांटेज होता है, उसमें एडवांटेज ये होता है कि जो जिस एम्प्लॉय से या जिस मैनेजर से या जिस सुपरवाइज़र से आप पूछ रहे हैं, जिन वर्कर से पूछ रहे हैं, उन्होंने खुद आपको कहा कि जी मैक्सिमम 60,000 यूनिट प्रोड्यूस हो सकते हैं। कल जब 60,000 नहीं प्रोड्यूस होते देन यू कैन आस्क व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्यों नहीं 60,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए, आपने खुद प्रॉमिस किया था कि यस वी कैन डू, देन आप उनको एवेल्युएट भी कर सकते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे पार्टिसिपेशन इन द बजट प्रोसेस, बजटिंग प्रोसेस, उसमें क्या किया जाता है फ्लो ऑफ द बजट, कि हम लोअर से टॉप मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। पार्टिसिपेशन इन बजट प्रोसेस क्या किया जाता है, जैसे हम पिछली स्लाइड में जो से हम पढ़ रहे थे कि लोअर लेवल से जो है वो स्टार्ट किया जाता है, सुपरवाइजर से मिडल मैनेजमेंट एंड मिडल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट पे। सुपरवाइजर से पूछा जाता है ओके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो से आपके पास आपकी फैक्ट्री में अवेलेबल हैं, तो यू कैन आस्क टू हीच सुपरवाइज़र के ओके हमारे पास जो से ये ऑर्डर आया है और हाउ वी कैन अचीव मैक्सिमम, क्या एक डिपार्टमेंट कितना जो से प्रोड्यूस कर सकता है, एंड देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो से उसको कितना फिनिश कर सकता है। उसके बाद जो से आप मिडल मैनेजमेंट से जो से उसकी रिक्वायरमेंट पर पूछ सकते हैं, हमें कितना मटेरियल जो सा यूटिलाइज होगा, हमें लेबर की कितनी ज़रूरत होगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे पाकिस्तान के जो से हालात हैं कि बिजली जो सा आपको अवेलेबल नहीं होती, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। और मिडल मैनेजमेंट फिर जो सा वो टॉप मैनेजमेंट को बताती है, एंड देन टॉप मैनेजमेंट जो सा उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद बजट को प्रिपेयर करती है। जितनी इंफॉर्मेशन आपको लोअर लेवल से मिडल से एंड देन उस उन दोनों इन्फॉर्मेशन को टॉप मैनेजमेंट जो है वो गैदर करती है, एंड गैदर करने के बाद उसके बाद जो है वो बजट बनाया जाता है। और द बजट पीरियड की बात जब हम करते हैं, द एनुअल ऑपरेटिंग बजट में बी डिवाइडेड इनटू क्वार्टरली और मंथली बजट। क्या किया जाता है कि जो एनुअली बजट होता है आपको उसको आप मंथली भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, एंड देन एक्चुअली हो क्या किया जा सकता है कि मंथली बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाए और उसके बाद
थ्री मंथ्स का बजट जो है वो उसको एक क्वार्टर के टारगेट जो है वो दे दिया जाता है एंड देन फोर क्वार्टर इज इक्वल टू द वन ईयर। ए कंटिन्यूस बजट इज यूजली ए 12 मंथ बजट दैट एड्स वन मंथ एज द करंट मंथ इज कम्प्लीटेड, कि एक मंथ कम्प्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो जो एनुअल बजट होता है दैट इज द सिंपल, बट द बजट फॉर द मोर देन वन ईयर दैट इज कॉल्ड द कैपिटल बजट। कैपिटल बजट इज फॉर द लॉन्ग टर्म, के लंबे अरसे के लिए जो बजट प्रिपेयर किया जाता है उसको हम कैपिटल बजट का नाम देते हैं। मंथली आप टारगेट जो है वो डिटरमिन करते हैं एंड देन यू डिटरमिन द मंथली रिक्वायरमेंट फॉर अचीविंग दोज टारगेट्स, और जब एक मंथ का टारगेट अचीव हो जाता है देन यू मूव टू अनदर मंथ, जब उस मंथ का टारगेट अचीव हो जाता है देन यू मूव टू एन अदर मंथ्स। तो जब थ्री मंथ्स का टारगेट जो है आपका अचीव हो जाता है देन यू अचीव वन क्वार्टर टारगेट, और इसी तरह आप ईयर्स को फोर क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं 12 मंथ्स में एंड देन यू अचीव मंथ बाय मंथ जो है टारगेट, और फिर आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। द मास्टर बजट प्लान, इसमें क्या किया जाता है, वी हैव सिक्स स्टेप जिसमें हम मास्टर बजट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टेप है दैट इज़ द सेल्स फोरकास्ट, कि सेल्स को फोरकास्ट किया जाता है कि कितनी सेल हमने करनी है, किस मंथ में कितनी सेल जो सी है वो होगी। और जैसे अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने जो है आपको पिछले किसी लेक्चर में आपको बताया था कि जो सेल है वो सम सेल्स दैट इज डिपेंड अपॉन ऑन द सीजन्स, लाइक कि वॉल्ड आइसक्रीम्स है, इनकी सेल्स जो सी है वो समर में जो है वो ज़्यादा होगी। तो लाजमी बात है कि जब ये सेल्स फोरकास्ट करेंगे तो समर में इनकी सेल्स जो सी है वो ज़्यादा होगी, प्रीवियस ईयर की जो एक्चुअल सेल्स हैं उसको देखते हुए ये सेल्स को फोरकास्ट करते हैं कि हमारी इस साल की सेल्स जो है वो क्या होंगी, किस महीने में कौन सी सेल्स जो है वो होगी। लाइक बाटा की एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो बाटा की भी कंपनी क्या करती है कि वो देखती है ओके अप्रैल के महीने में बच्चे जो है वो स्कूल से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं, देन दे डिज़ायर कि जो उनका जो है शूज़ नए हों, बैग नए हों, बुक्स नई हों, तो एवरी थिंग इज़ न्यू। तो एट दैट मंथ अप्रैल में, मार्च अप्रैल में बच्चों की जो शूज़ हैं उनकी डिमांड जो है इंक्रीज़ हो जाती है और बाकी नॉर्मल डिमांड जो है वो साल में चलती रहती है, या आफ्टर समर ब्रेक जो है उनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। इसी तरह अगर आप ऑयल की बात करते हैं तो रमज़ान में आप देखें कि ऑयल, बेसन की और बाकी चीज़ों की डिमांड जो सी है, कंज्यूमेबल आइटम्स की डिमांड जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर मंथ। तो उन सेल में उस मंथ में जो है वो सेल जो सी है वो भी इंक्रीज़ की जाती है। अगर किसी का पोल्ट्री फार्म है, वो जो है चिकन प्रोडक्शन करता है, तो लाजमी बात है कि जिस मंथ में, जो महीने जिनमें जो मैरिज का सीज़न होता है, तो उसमें चिकन की जो है डिमांड वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस तरह आप जो है वो सोच सकते हैं कि मुख्तलिफ बिजनेसेस को अपने माइंड में लेके आ सकते हैं, उनको सोचा जा सकता है कि ओके ये बिजनेसेस हैं और इनका डिमांड मुख्तलिफ मंथ्स में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो सी है वो हो सकती है कि नहीं हो सकती। और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनकी जो सेल्स फोरकास्ट है डेट इज़ कॉन्स्टेंट फॉर द होल ईयर, उसमें कोई जो है वो नहीं आ सकता। बट यू कैन टेक द एग्जांपल फ्रॉम योर रियर वर्ल्ड के अपने इर्द-गिर्द के जो है मार्केट्स का एनालिसिस करें और उसमें देखें कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो साल में हमारे सीजन से वेरिएट करती है कि नहीं करती। देन सेकंड थिंग, जब आप सेल्स फोरकास्ट कर लेते हैं देन यू मेक द प्रोडक्शन स्केड्यूल, कि वो आपने प्रोडक्शन स्केड्यूल जो है प्रिपेयर करना है कि प्रोडक्शन जो सी है वो किस तरह की जाएगी, उसके लिए आपको मटेरियल जो है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट, दिस एंड डैट, ऑल थिंग्स जो सी है वो आपको कितनी रिक्वायर होगी। उसके बाद देन आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एंडिंग इन्वेंट्री बजट जो है वो प्रिपेयर करते हैं कि अच्छा मैंने कॉस्ट जो मैंने गुड्स सोल्ड करनी है उसकी कॉस्ट मेरे पास कितनी आ गई, एंड देन के
एट द एंड ऑफ मंथ हाउ मच आई शुड हैव इन माई पॉकेट. पॉकेट मीन के मेरे पास इन्वेंट्री जो सी है वो बिजनेस में कितनी होनी चाहिए, कितने यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल हो और नेक्स्ट मंथ में मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस करूँ ताकि फिर मेरे पास एक इन्वेंट्री अवेलेबल हो. देन जब वो भी प्रिपेयर कर लिया जाता है तो देन यू वी मूव ऑन ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बजट के. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, इन प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें कौन कौन से एक्सपेंस जो है वो करने पड़ेंगे. ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात की जा रही है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब आप जो उनसे इंकर कर लेते हैं तो फिर हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट की बात की जाती है कि ओके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये होंगे. मार्केटिंग के एक्सपेंस हमारे पास इतने आ जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंस हमारे पास इतने होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है हमारे पास इतने होंगे, एडवर्टाइजिंग हमें इतने की करनी पड़ेगी, एंड देन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उनको कैलकुलेट किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाएंगे जो करने ज़रूरी हैं इस सारे टारगेट को अचीव करने के लिए. जब वो आप फोरकास्ट कर लेते हैं, उनको एस्टिमेट लगा लेते हैं, देन वी प्रिपेयर द बजटेड फाइनेंशियल बजट्स, कैश इनकम एंड बैलेंस शीट. कैश का बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कि कैश को कैसे जो है वो मेंटेन किया जाएगा. इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है, एंड देन एट द एंड हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं. और जब ये भी हमारा स्टेप मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद एट द एंड हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं कि जो हमने अपना बजट बनाया था, एक्चुअल बजट बनाया था, और उसके बाद जो बजट हमारा इंकर्ड हुआ है तो उसमें क्या क्या जिनसे वो डिफरेंस कितना आया था, एंड देन वी एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस को जिनसे वो एवेल्यूएट किया जाता है कि जो हमने टारगेट डिटरमिन किए थे वही टारगेट हमने अचीव किए थे कि नहीं किए थे. लेट्स हैव एग्जांपल. दिस इज एनफ टॉकिंग अबाउट द बजट. नाउ शो मी एन एग्जांपल. ओके नो प्रॉब्लम, वी हैव वन इलस्ट्रेशन और उसमें हम जो है एक मास्टर बजट जो है प्रिपेयर करेंगे. आई होप कि इसके बाद जो है आप इस काबिल हो जाएंगे कि बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उसको रिसॉल्व कर सकें. दिस इज़ ए कम्प्रहेंसिव बजट. बुक में आप जो है क्वेश्चन देखें, मे बी उसमें उन्होंने शॉर्ट दिए हो, सेल्स फोरकास्ट का बजट अलग दिया हो और बाकी आपको ऑपरेशनल बजट अलग दिया हो, इनकम स्टेटमेंट का बजट बनाने के लिए अलग दिया हो, तो यहाँ पे हम जो है आपको सिर्फ एक कम्प्रहेंसिव ओवरऑल बजट जो है वो प्रिपेयर करना जो है बताएंगे. डैट इज़ लिंक्ड व्हेन वन बजट इज़ कम्प्लीटेड देन वी विल मूव टू अनदर बजट, व्हेन अनदर बजट इज़ कम्प्लीटेड देन वी विल मूव टू थर्ड बजट. तो इसी तरह हमारा जो है वो बजट प्रोसेस कम्प्लीट होता जाएगा. बट दिस इज़ बेस्ड ऑन टू लेक्चर. तो हमारा जो सा लेक्चर नंबर 30 इस पे बेस करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट लिटल मोर इन द लेक्चर नंबर 31. प्रिपेयरिंग द मास्टर बजट एंड इलस्ट्रेशन वन एग्जांपल. वी स्टार्ट विद द फोरकास्ट ऑफ द कस्टमर नीड फ्रॉम द मार्केट पर्सनल. जैसे हमने पहले बात की थी कि मार्केट पर्सोनल जो से हैं वो आपको क्या करेंगे कि वो आपको बताएंगे कि जो मार्केट की नीड है, वो डिमांड है, वो क्या है. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. या मार्केटिंग पर्सोनल जो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट है वो आपको बताएगा. अगर नहीं है, आपका बिजनेस छोटा है, तो देन यू कैन चेक इट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर और उसमें आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे जो से लास्ट ईयर में क्या सेल थी और इस ईयर में हमारी क्या सेल होगी और हमारी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ कर रही है कि नहीं कर रही. वो कस्टमर की डिमांड और नीड के बारे में, एंड एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमिक एंड द मार्केट कंडीशन. और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाती है कि आपके मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन जो सी है वो कैसी प्रिवेल कर रही है. पोलिटिकल स्टेबल है, देन आपकी GDP जो सी है वो इंक्रीज़ कर रही है, इन्फ्लेशन जो सी कंट्रोलेबल है, अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उसको एनालिसिस किया जाता है. तो इफ़ एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड तो फिर क्या किया जाता है कि फिर आप जो सा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो सी है वो इंक्रीज़ करेगी. इफ़ द कंट्री इज़ नॉट पोलिटिकल स्टेबल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, तो देन क्या किया जाता है कि पीपल आर नॉट यूज टू स्पेंड मनी, दे यूज टू कीप इट सेफ.
सेव किया जाता है फॉर एनी डे के लिए, प्रॉब्लम के लिए। तो जब अनसर्टन कंडीशन हो जाए तो लोग जो है उसको सेव करते हैं मनी का। बात हम कर रहे थे कि इकोनॉमिक कंडीशन, व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन आर द सर्टन देन पीपल जो है वो स्पेंड करते हैं मोर। अमेरिका की एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या होता है कि अमेरिकन इकोनॉमी में जो है पॉलिटिकल स्टेबल है, कंडीशन आर सर्टन। जब ऐसी सिचुएशन हो तो जो से लोग होते हैं उनको फ्यूचर के बारे में वो सर्टन होते हैं, क्योंकि नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो वो लोग पैसे को ज़्यादा सेव नहीं करते। एक रिसर्च जो से मैंने की थी, जब मैं अपना पीएचडी का थीसिस कर रहा था, तो मेरा पीएचडी का थीसिस करंट अकाउंट डेफिसिट पे था, और देन मैंने जो है अमेरिका की भी, अमेरिकन इकोनॉमी की भी जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी स्टडी किया। तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम पेश आई थी वो ये था कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो फेवरेबल है अमेरिका की, जो कॉजेज थे करंट अकाउंट डेफिसिट के, अमेरिकन जो इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो फेवरेबल थी, पॉलिटिकल स्टेबल थी, फ्यूचर जो है वो सर्टन था। देन पीपल्स आर यूज टू स्पेंड मोर मनी, जो उनकी डोमेस्टिक सेविंग थी वो कम थी, तो इस वजह से अमेरिका जो है वन ऑफ द काज के अमेरिका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट से सफ़र कर रहा था। तो जब पाकिस्तान इकोनॉमी का एनालिसिस किया तो यहाँ पे जो है वो उसके कंडीशन जो थी वो रिवर्स आई, जो वहाँ पे कंडीशन थी। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान की जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो सी हैं वो भी वो जो सी है अनस्टेबल हैं, इन्फ्लेशन जो सी हाई प्रवेल कर रही है, पॉलिटिकल अनस्टेबल है, तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक सेविंग जो सी है वो हाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है कंडीशन जो सी है वो चेंज थी, ऑल दो कि फ्यूचर इज़ अनसर्टन है पाकिस्तान में, और जो है इकोनॉमिक कंडीशन आर आल्सो अनसर्टन। इन्फ्लेशन का आपको कोई पता नहीं होता, प्राइसेस का कोई पता नहीं होता, फ्यूल की प्राइसेस का कोई पता नहीं होता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में भी आपको कोई पता नहीं है। तो होना तो यूँ चाहिए कि लोगों को जो है वो पैसे सेव करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैबिट जो सी है वो डिफरेंट है। उसमें क्या हो रहा है कि पीपल आर यूज टू स्पेंड मोर मनी। तो हमारी इकॉनमी है यहाँ पे हर चीज़ जो सी है वो डिफरेंट होती है। तो ये जो उनसे मैंने स्टडी की थी तो उसमें हमें जो था ये से पता चला था। तो इकोनॉमिक कंडीशन का जो है वो एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद फिर आप फोरकास्ट करते हैं एस्टिमेटेड यूनिट सेल, कि आपने कितने यूनिट जो है वो सेल करने हैं, और उसके बाद आप ये भी एस्टिमेट करते हैं कि यूनिट प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए। एंड देन यू मेक द सेल बजट, सेल बजट बनाया जाता है, क्योंकि इस महीने में इतने होंगे, इस मंथ में इतने, और इस मंथ में इतने जो से यूनिट्स सेल किए जाएंगे। देन वी हैव वन एग्जांपल, एलिस मैग्नेट कंपनी इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द क्वार्टर एंडिंग June 30। क्वार्टर एंडिंग जो सा वो बजट बनाया जा रहा है, मंथली बजट बनाएंगे, देन जब 3 मंथ्स को गैदर कर लेंगे तो दैट इज़ द क्वार्टर बजट। द सेल प्राइस इज $10 पर मैग्नेट, जो मैग्नेट सेल किया जाएगा उसकी प्राइस कितनी होगी, सेल प्राइस कितनी होगी, दैट इज़ द $10 पर मैग्नेट। एंड बजटेड सेल फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ आर, मतलब क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैग्नेट कितने सेल हो जाएंगे। अप्रैल में जो मैग्नेट सेल किए जाएंगे 20,000, और कॉस्ट कितनी होगी, दैट इज़ 10 पर, और आपके पास जो सेल से इनकम रिसीव होगी दैट इज़ 200,000। मई में आप 50,000 सेल करेंगे, एंड देन आपके पास जो इनकम होगी दैट इज़ 500,000। देन जून में 30,000 मैग्नेट, एंड उसके बाद आपको जो रिसीव होगा दैट इज़ 300,000, एंड जुलाई में 25,000 मैग्नेट आप सेल करेंगे और आपको रिसीव होगा 250,000। जुलाई इज़ नीडेड फॉर द जून एंडिंग इन्वेंट्री कंपटीशन, और जुलाई की जो हमें फोरकास्ट वो इसलिए चाहिए कि जून की जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसको कंप्यूट करने के लिए। दिस इज़ द सेल बजट 20,000, 50,000, 30,000 यूनिट जून से है वी हैव टू सेल इन अप्रैल, मई एंड जून, एलएस ने जून से वो सेल करने हैं, राइट। और सो सेल बजट इज़ कम्प्लीटेड, वेरी सिंपल सेल बजट बनाना जो सा इतना प्रॉब्लम नहीं था। हमने कहा था दो बातें आपने जो सा वो चेक करनी है स्टार्ट में, कि नंबर ऑफ़ यूनिट कितने आपने सेल करने, एंड द क्रॉस कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट मीन द प्राइस
ऑफ पर यूनिट कि उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए. देन वी विल मूव टू द प्रोडक्शन बजट. प्रोडक्शन बजट में जौन सा वो मूव करते हैं. आपने ये तो डिटरमिन कर लिया कि अच्छा मैं इतने यूनिट जौन सा प्रोड्यूस करूँगा, तो उसके बाद प्रोडक्शन भी तो करनी है. देन यू विल एबल टू प्रोड्यूस, यू विल एबल टू सेल दोज यूनिट. प्रोडक्शन होगी तो सेल करेंगे, अदरवाइज जौन सा वो नहीं प्रिपेयर किया जाएगा. एलएस आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये है, एलएस वांट्स एंडिंग इन्वेंट्री टू बी 20% ऑफ द नेक्स्ट मंथ्स बजटेड सेल्स इन द यूनिट. जैसे हमने पिछले बात की थी कि जुलाई का हमने क्यों लिया था, कि हमने एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो मेंटेन करनी थी. तो एलएस साहब क्या कहते हैं, वो चाहते हैं कि 20% जो नेक्स्ट मंथ की इन्वेंट्री हो, जो नेक्स्ट मंथ की सेल हो, उसकी 20% इन्वेंट्री आपके पास अवेलेबल हो. 4,000 यूनिट्स वर ऑन हैंड ऑन March 31st. ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो सी है वो अवेलेबल थी कि वो 20% मेंटेन करना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ की जो आपकी बजटेड सेल्स है उसका, और उसके पास जो मार्च में यूनिट्स अवेलेबल हैं डेट इज़ 4,000 यूनिट जो है वो अवेलेबल है. अब हम क्या करेंगे, द प्रोडक्शन मस्ट बी एडवोकेट टू मीट द बजट सेल्स एंड टू प्रोवाइड सफिशेंट एंडिंग इन्वेंट्री. लाजमी बात है कि सेल्स होनी चाहिए और एंडिंग इन्वेंट्री भी होनी चाहिए. बजटेड प्रोडक्ट सेल्स इन यूनिट के बजटेड प्रोडक्ट सेल्स इन यूनिट जो सी हैं उसमें आप ऐड करेंगे डिज़ायर प्रोडक्ट्स यूनिट इन एंडिंग इन्वेंट्री. जो आपकी सेल है उसमें आपने क्या किया, ऐड किया एंडिंग इन्वेंट्री को. तो टोटल प्रोडक्ट यूनिट नीडेड, आपके पास कितने टोटल प्रोडक्ट यूनिट होने चाहिए, उसमें से माइनस करेंगे द प्रोडक्ट यूनिट इन बिगनिंग इन्वेंट्री. बिगनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, देन यू विल हैव द प्रोडक्ट यूनिट टू प्रोड्यूस के आपने उस मंथ में कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करने हैं. अब देखते हैं, अब आपके पास आ गया बजटेड यूनिट सेल के आपने अप्रैल में 20,000 करने हैं, मई में 50,000 एंड जून में 30,000. डिज़ायर एंडिंग इन्वेंट्री हमने क्या कहा था कि उसमें ऐड कर लेंगे, एंड दैट इज़ द डिज़ायर एंडिंग इन्वेंट्री. एंडिंग इन्वेंट्री कितनी, एंडिंग इन्वेंट्री 20% ऑफ द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन नीड. अब जून की एंडिंग इन्वेंट्री जो सी है दैट इज़ कितनी है, जुलाई में कितनी थी 25, तो हमारे पास जो है वो 5,000 आ गए. मई की अगर हम अप्रैल की एंडिंग इन्वेंट्री निकालें तो डेट इज़ द 20% ऑफ 50,000. 50,000 का 20% लिया तो वो हमारे पास कितना आ गया, 10,000. वेरी इजी वे, आपने अगर जो है 20% निकालना हो क्विकली तो सिंपल वे क्या है, 10% निकालने का मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर 50,000 है तो 50,000 का अगर आपने 10% लेना है तो आप जो इसका 10 है स्टार्टिंग में ऑन द लेफ्ट उसको ख़त्म कर देंगे. उसको ख़त्म किया तो आपके पास कितना आया, रिमूव कर दिया, दैट इज़ 5,000. 5,000 इज़ द 10% ऑफ मे सेल. तो 10% है, और अगर 20% होगा तो आप उसको डबल कर देंगे तो 20% आ जाएगा, और अगर आपने 5% निकालना होगा तो आप उसको हाफ कर देंगे तो डेट इज़ 2,500. तो सिंपल क्विकली 10% किसी भी अमाउंट का लेना हो तो द फर्स्ट डिजिट जो भी राइट साइड पे आ रहा है उसको रिमूव कर दें तो डेट इज़ द 10% ऑफ द डेट टोटल अमाउंट. तो अगर आप ये देखें कि डिज़ायर एंडिंग इन्वेंट्री 10,000 अप्रैल में, मई में कितनी होगी 6,000, उसका देखें आपने 1 यूनिट जो है वो रिमूव किया दैट इज़ 3,000, उसका डबल किया डैट इज़ 6,000, या मल्टीप्लाई कर दें 0.2 से, तो 0.2 से मल्टीप्लाई किया 30 को, तो 0.2 × 3 इज़ 6,000 आपके पास आ गए यूनिट्स. टोटल यूनिट नीडेड आपके पास, टोटल यूनिट जो है वो कितने होंगे, कितने आपने प्रोड्यूस करने हैं, डैट इज़ 30,000, 56,000 एंड 35,000 लेस बिगनिंग इन्वेंट्री. बिगनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितनी आ गई, 4,000, वो आपके पास पहले इन्फॉर्मेशन मौजूद थी. बिगनिंग इन्वेंट्री इन लास्ट मंथ एंडिंग इन्वेंट्री, जो आपके पास मार्च की एंडिंग इन्वेंट्री थी प्रीवियस स्लाइड में, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी दैट इज़ 4,000. और डिज़ायर एंडिंग इन्वेंट्री और आप देख सकते हैं लास्ट हमने कितनी थी, 10,000 थी एंड 6,000. और
उसके बाद यूनिट टू प्रोड्यूस 26,000, हमने यूनिट प्रोड्यूस करने अप्रैल में, 46,000 मई में, एंड 29,000 यूनिट्स वी हैव टू प्रोड्यूस इन जून इन आर्डर टू मीट द सेल बजट. सेल बजट को हमने जो मीट करना है तो उसके लिए. नो द प्रोडक्शन बजट यूनिट इज कंप्लीटेड. नो द प्रोडक्शन बजट मटेरियल परचेज्ड. यूनिट वाला तो कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मटेरियल परचेज. के हमें ये तो पता चल गया कि हमने यूनिट कितने प्रोड्यूस करने हैं एक महीने में. जो सेल थी दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन उसके अलावा भी तो हमने इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी है, प्रीवियस हमारे पास कितना आएगा. तो लास्ट स्लाइड में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने और उन यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मटीरियल कितना रिक्वायर होगा. नाउ टॉक अबाउट द मटीरियल रिक्वायर्ड. The production budget material purchase. The material purchases budget is based on the production quantity and desired material inventory level. अब material inventory level की बात कर रहे हैं और production quantity की बात की जा रही है. Unit to produce, कितने यूनिट आपने प्रोड्यूस करने हैं, इनटू मटेरियल नीडेड पर यूनिट. उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या, मटेरियल नीडेड फॉर द यूनिट टू प्रोड्यूस एंड देन प्लस डिजायर यूनिट ऑफ द मटेरियल एट द एंडिंग इन्वेंट्री. एंडिंग इन्वेंट्री जितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं उसको आप ऐड कर देंगे टोटल यूनिट ऑफ द मटेरियल नीडेड एंड माइनस द यूनिट ऑफ द मटेरियल इन द बिगनिंग इन्वेंट्री. देन यू विल हैव द यूनिट ऑफ द मटेरियल टू परचेज. आपने क्या किया, सिंपल जो यूनिट प्रोड्यूस करने थे उसको मल्टीप्लाई किया मटेरियल नीडेड पर यूनिट. आपके पास मटेरियल नीड फॉर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस. उसके बाद आपने क्या किया कि डिज़ायर इन्वेंट्री एट द एंड वो ऐड कर ली, टोटल आपके पास आ गया एंड देन एंडिंग आपने माइनस कर दी द यूनिट ऑफ द मटेरियल टू परचेज. और इसी को हम जो सा एग्जांपल देखते हैं देन इट विल मोर क्लियर. फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. द 5 pounds ऑफ द मटीरियल आर नीडेड फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस. अब 5 pounds जो सा वो आपको चाहिए ईच यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए. एलिस वॉन्ट टू हैव मटीरियल ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द ईच मंथ इक्वल टू द 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ प्रोडक्शन नीड. कहते हैं कि जी तो नेक्स्ट मंथ में जितनी भी प्रोडक्शन करनी है उसका 10% मटीरियल जो एलिस साहब कहते हैं कि उसके पास होना चाहिए. द मटीरियल इन्वेंट्री ऑन March 31st इज द 13,000. आपके पास वो भी पता चल गई और जो 30,000 pounds और जुलाई की प्रोडक्शन इज बजटेड फॉर द 23,000 यूनिट. वो भी आपके पास अवेलेबल हो गई है. तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाएगा. यूनिट टू प्रोड्यूस 26,000, 46,000 और 29,000 ये हमारा यूनिट प्रोडक्शन बजट में हमें बता दिया. पाउंड पर यूनिट कितने थे, 5 pounds जो है पर यूनिट हमें जिनसे कॉस्ट पड़ रही है और देन वी मल्टीप्लाई इट विद द यूनिट कॉस्ट. देन मटेरियल नीडेड जो है हमारे पास कितना होना चाहिए, 130 LBS, 230,000 एंड 145,000 डिज़ायर मटेरियल जो है. अब आपको कितना चाहिए, 130 pounds मटेरियल जो है, पाउंड्स 130 pounds जो सा मटेरियल आपको चाहिए टू प्रोड्यूस 26,000 यूनिट. क्योंकि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 5 pounds मटेरियल आपको रिक्वायर होगा, उसका वेट जो है वो 5 pounds होगा. तो इसी तरह बाकी मई में और जून में भी आप मल्टीप्लाई किया और आपको 230,145,000 pounds जो है वो रिक्वायर होंगे. और उसके बाद डिज़ायर एंडिंग इन्वेंट्री 10% ऑफ द नेक्स्ट मंथ मटेरियल नीडेड. तो नेक्स्ट मंथ मटेरियल नीडेड 10% आपने कैलकुलेट करनी है. अभी मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट को रिमूव करते जाएं, देन यू विल हैव हाउ मच, 230 का 10% 23,000, 145 का 10% 14,500 और उसके बाद 11,500. जून एंडिंग इन्वेंट्री जो से आपके पास कितने थे, 23,000 यूनिट से आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री और उसको आपने मल्टीप्लाई किया 5 pounds पर यूनिट था, मल्टीप्लाई किया एंड देन आपके पास जो भी फिगर आई उसको आपने मल्टीप्लाई किया 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो जून एंडिंग इन्वेंट्री वो आई डेट इज़ 11,500. टोटल मटेरियल नीडेड जो आपको टोटल मटेरियल चाहिए होगा दैट
is in pound 153,000 pound, 244,500 pound and 156,500 pound. उसके बाद लेस बिगनिंग इन्वेंट्री, तो बिगनिंग इन्वेंट्री कितनी है? बिगनिंग इन्वेंट्री इज द लास्ट मंथ एंडिंग इन्वेंट्री, लास्ट मंथ की एंडिंग इन्वेंट्री जो थी वो आपकी बिगनिंग इन्वेंट्री है। तो लेस बिगनिंग इन्वेंट्री थे 13,000, ये आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन थी कि जो मार्च की एंडिंग इन्वेंट्री थी, और उसके बाद मे की एंडिंग इन्वेंट्री इज 23,000 एंड देन 14,500 आपके पास आ गई। मटेरियल परचेज जो आपने परचेज करना है, कितने पाउंड मटेरियल परचेज करना है? 140,000 पाउंड, 221,500 पाउंड एंड 142,000 पाउंड मटेरियल जो है वो आपने परचेज करना है। अब ये तो मटेरियल परचेज करना है, आपको मटेरियल कितने पाउंड चाहिए था। अब बात आ रही है कि जो मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है। मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन कॉस्ट डॉलर 0.4 डॉलर जो है, 40 सेंट जो है पर पाउंड जो है आपको वो मटेरियल पड़ रहा है। और उसकी पेमेंट किस तरह कर रहे हैं? वन हाफ ऑफ द ऑफ ए मंथ्स परचेजेस आर पेड फॉर इन द मंथ ऑफ परचेज, के जिस महीने आधी पेमेंट 50% पेमेंट उसी मंथ में कर दी जाती है कि जिस महीने आप मटेरियल परचेज करते हैं। द अदर हाफ इज पेड फॉर इन द फॉलोइंग मंथ, और हाफ परसेंट पेमेंट नेक्स्ट मंथ में की जाती है। नो डिस्काउंट टर्म्स आर अवेलेबल, डिस्काउंट जो है जब आप इतनी लेट पेमेंट करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। अकाउंट पेबल बैलेंस ऑन मार्च 31st इज 12,000, और मार्च 31st को जो आपके अकाउंट्स का बैलेंस है दैट इज 12,000, वो आपका 12,000 बैलेंस है जो प्रीवियस आपका चलता आ रहा था। नाउ सी मटेरियल परचेज आपने कितना करना है, वो लास्ट में जो हमने एंड पे आया था 140,000 अप्रैल में आपने परचेज करना है। कॉस्ट पर पाउंड दैट इज 0.4, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी आपको? 56,000 आपको कॉस्ट पड़ी। और पेबल फ्रॉम मार्च, मार्च का जो पेबल है और डेट इज 12,000, वो हमने अप्रैल में पे करना है। और अब हम क्या करेंगे कि अप्रैल में हम पे करेंगे 50% ऑफ 56,000, वो 28,000 हमारे पास आ गया, वो हमने पे किया। हाफ हमने पे किया अप्रैल में और हाफ हम पे करेंगे मे में। और अब मे के मंथ में क्या करेंगे कि जो टोटल कॉस्ट थी मे की 88,600, तो 44,300 हम मे में पे करेंगे और 44,300 हम पे करेंगे जून में। और अब जो हमने क्या कहते हैं जून में परचेज की है 56,800, 28,400 वो हम पे करेंगे जून में, और जुलाई में फिर हमारा 28,400 कैरी ऑन कर चला जाएगा, क्योंकि हम जून तक बजट बना रहे हैं। जब हम जुलाई अगस्त एंड सितंबर का बनाएंगे तो फिर वो 28,400 हमारे आ जाएंगे, जैसे 12,000 हमारे प्रीवियस मंथ से आए थे। सो टोटल पेमेंट्स इन द मंथ 40,072,300 and 72,700, ये हमारी पेमेंट्स आ गई अप्रैल में एंड जून की, जो हमने मटेरियल परचेज करना है उसकी बात कर रहे हैं। नाउ द प्रोडक्शन बजट यूनिट मटेरियल इज कंप्लीट, द प्रोडक्शन बजट लेबर यूनिट मटेरियल, मटेरियल जो परचेज करना था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बात आती है लेबर की, प्रोडक्शन बजट लेबर की, कि लेबर को किस तरह जो है वो कंप्लीट किया जाए, लेबर की क्या क्या कॉस्ट आएगी। देन वी हैव लिटिल इंफॉर्मेशन, ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड रिक्वायर 3 मिनट्स, कहते हैं कि जो भी एक यूनिट अगर प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसमें 3 मिनट्स यूज होंगे, इट्स मीन 0.05 आवर्स ऑफ द डायरेक्ट लेबर वो चाहिए होगी। एलएस एम्प्लॉयज 30% फॉर 40 आवर्स ईच वीक एट ए रेट ऑफ 10 पर आवर्स। अब वो कहते हैं कि जो है एलिस के पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 30 लोग हैं जो क्या करते हैं लेबर 40 आवर्स ईच वीक। वो जो लेबर आ रहा है वो आपको क्या कहती है कि लेबर आर कहती है कि आपने 40 आवर्स से ज़्यादा वर्क एम्प्लॉयज़ से, नेशनल इंटरनेशनल लेबर लॉ है, 40 आवर्स से ज़्यादा जो है वो आपने उनसे काम नहीं करवाना, और एक वीक में वो 40 आवर्स काम कर सकते हैं एट ए रेट ऑफ 10 पर आवर्स।
कि उनका जो 40 आवर्स हैं तो पर आवर्स उनका रेट जो सा होगा वो 10 पर आवर होगा, एंड एक्स्ट्रा आवर्स नीडिड आर ऑब्टेन बाय हायरिंग द टेम्परेरी वर्कर आल्सो एट 10 पर आवर। अब वो क्या किया जा रहा है कि अगर कहते हैं कि जी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें क्या किया जाता है कि टेम्परेरी तौर पे लोगों को हायर कर लिया जाता है और उनको भी सेम कॉस्ट जो है वो पे की जाती है, डेट इज़ 10 पर आवर। तो 40 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं हो रहा और जितने भी आर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हायर करके पूरी कर ली जाएगी। अब यूनिट टू प्रोड्यूस 26,000, 46,000, 29,000 आर्स पर यूनिट हमारे पास कितने हैं 0.05, तो इसका मतलब है टोटल आर कितने हो गए हमारे पास 1,300, 2,300 and 1,450 आर्स फॉर अप्रैल मई एंड जून रिस्पेक्टिवली। सो वेजेस रेट हमारे पास अवेलेबल है, तो हम जो एक्स्ट्रा हायर कर रहे हैं तो वो हमने यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया, जस्ट वी हैव द लेबर रेट। लेबर रेट हमारे पास कितना है, दैट इज $10 पर आर, और हमारे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 13,000, 23,000 और 14,500 बन जाती है। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया, नाउ यूनिट मटेरियल लेबर कॉस्ट इज कंप्लीटेड, सो वी हैव नाउ अबाउट द प्रोडक्शन बजट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो लेबर कॉस्ट तो पूरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात करते हैं। वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज $1 per unit। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कैलकुलेटेड थे $1 per unit प्रोड्यूस्ड, एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज $50,000 per month। तो वो क्या है कि $1 per unit प्रोड्यूस, जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उस पर वेरिएबल कॉस्ट आपके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है 1 unit। तो जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे $1 से, तो आपके पास वेरिएबल आ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, दैट इज $50,000 per month। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इंक्लूड 20,000 इन डेप्रिसिएशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो फिक्स आपकी कॉस्ट आ रही है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, उसमें 50,000 में 20,000 इज डेप्रिसिएशन विच डज नॉट रिक्वायर्ड कैश आउटफ्लो, कि वो 20,000 जो से वो कैश आउटफ्लो उसमें नहीं रिक्वायर। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसिस बैट दैट इज नॉन कैश एक्सपेंसिस, अगर आपको याद हो तो हमने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई थी तो उसमें हमने उसको एड बैक कर लिया था। अब यूनिट कितने प्रोड्यूस करने हैं, 26,000, 46,000 and 29,000, वही जो हमारा हमने पहले टारगेट डिटरमिन किया था। देन वेरिएबल ओवरहेड रेट इज़ 1, तो $1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी हैव 46,000, 26,000, 46,000 and 29,000। फिक्स ओवरहेड हमारे पास जो सेट इज़ 50,000, 50,000 and 50,000। टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट इज 76,000, 96,000 and 79,000, एंड देन वी विल माइनस द डेप्रिसिएशन, 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर ली तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैश हमारे पास कितना है, दैट इज 56,000, 76,000 and 59,000 फॉर अप्रैल मई एंड जून फॉर 1 quarter। नो द प्रोडक्शन बजट इज कंप्लीटेड, देन प्रोडक्शन बजट हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमारा एक बजट कंप्लीट हो जाता है देन वी मूव टू वर्ड द सेकेंड बजट, दीज आर द स्टेप्स। ये नहीं हो सकता कि आप सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव को पहले कर लें और उससे उसके बाद जो है वो प्रोडक्शन बजट कंप्लीट करें स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरह आप असाइनमेंट जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दे सकते हैं, अगर आप देंगे तो वो कहेंगे जी पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन है देन वी विल एबल टू प्रिपेयर द नेक्स्ट बजट। वी हैव सर्टन इंफॉर्मेशन रिलेटेड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट। सेलिंग एक्सपेंसेस बजट कंटेन द बोथ वेरिएबल एंड द फिक्स आइटम्स, वेरिएबल आइटम्स शिपिंग कॉस्ट एंड द सेल्स कमीशन एंड द फिक्स आइटम एडवर्टाइजिंग एंड द सेल्स सैलरी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बजट कंटेन ओनली मोस्टली फिक्स्ड आइटम एग्जीक्यूटिव सैलरीज एंड द डेप्रिसिएशन ऑन कंपनी ऑफिस।
ये जो है सेलिंग में भी आपको पता चल गया कि वेरिएबल आइटम कौन सा है शिपिंग कॉस्ट एंड द सेल्स कमीशन, और फिक्स आइटम कौन सा है एडवर्टीजमेंट एंड द सेल्स सैलरी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यूजली जो है फिक्स होते हैं एग्जीक्यूटिव सैलरी और डेप्रिसिएशन ऑफ द कंपनीज ऑफिस जो है वो शामिल की जाती है। सो वी हैव फर्दर इंफॉर्मेशन, वेरिएबल्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर $0.5 पर यूनिट सोल्ड एंड अ फिक्स। अब देखें क्या कह रहा है कि सेलिंग वेरिएबल्स जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है दैट इज द $0.5 आर 50 सेंट $0.5 पर यूनिट सोल्ड एंड द फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर 70,000 पर मंथ। अब फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 70,000 पर मंथ है। फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 इन द डेप्रिसिएशन विच डज नॉट रिक्वायर ए कैश आउटफ्लो। उन 70,000 में 10,000 आपके वो भी शामिल हैं जो डेप्रिसिएशन के हैं, तो वो आप माइनस कर देंगे और वेरिएबल इज़ द 0.5। बजटेड यूनिट सेल आपके पास आगे 20, 50 एंड 30, ये यूनिट सेल्स के हैं, राइट। हेयर यू हैव टू रिमेंबर पीछे हम जो बात कर रहे थे वो यूनिट प्रोड्यूस के थे, हेयर वी हैव टॉकिंग अबाउट द यूनिट सेल्स। वेरिएबल एक्सपेंसेस 0.5, 0.5 एंड 0.5 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गए 10,000, 25,000 एंड 15,000। उसके बाद फिक्स एक्सपेंस 70, 70, 70 किए आपके पास, उसके बाद 80, 95 और 85 आ गए 1,000। देन डिडक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वो आपने डिडक्ट किया, सो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके पास 70,000, 85,000 एंड 75,000 आ गए। सो नाउ द कैश रिसीव्स बजट, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कैश पेमेंट्स बट नो कैश रिसीव, शो मी सम कैश रिसीव्स, इज वरीड के भी अब कुछ जो है एल एस को ये भी चाहिए कि कुछ कैश जो है वो भी उसके पास आए, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि कैश कितना आएगा और कैसे आएगा। अब क्या कहते हैं, ऑल सेल्स आर ऑन अकाउंट, के सेल्स जितनी भी की जाती हैं वो ऑन अकाउंट है, वो क्रेडिट सेल की जाती है। एल एस कलेक्शन पैटर्न इज 70% कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल, कि जो भी सेल्स की जाती हैं वो 70% उसी महीने में उसी मंथ में जो है वो कलेक्ट कर लेता है। 25% कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर द सेल, कि जो 25% है वो नेक्स्ट मंथ में जो है वो कलेक्ट किया जाता है। एंड 5% विल बी अनकलेक्टेबल, कि वो जो एल एस के कुछ जो है क्लाइंट्स ऐसे हैं वो 5% देते ही नहीं है, वो अनकलेक्टेबल हो जाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल ऑन March 31st इज 30,000, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेबल। 30,000 जो है वो मार्च का रिसीवेबल है और वो क्या है, दैट इज ऑल आर कलेक्टेबल, इसमें कोई ऐसी परसेंटेज नहीं है जो अनकलेक्टेबल हो। लेट्स टॉक अबाउट कैश रिसीव बजट, बजटेड यूनिट सेल 10,050 एंड 30, और वो हमने प्राइस पर यूनिट ली थी 10, 10, 10, और हमारे पास बजटेड सेल रेवेन्यू जो है 200,000, 50,000 एंड 30,000। रिसीव फ्रॉम मार्च में जो रिसीव करना है डेट इज़ द 30,000, और रिसीव फ्रॉम द अप्रैल सेल में जो हम रिसीव करेंगे वो 70% तो हम अप्रैल में करेंगे और 25% मई में करेंगे, और 5% की कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। एंड देन लेट्स सी, अप्रैल 200,000 × 0.7 140 एंड 25% लेंगे 200 का और 50,000, ये हमारे पास अप्रैल की आ गई सेल। एंड देन जो रिसीप्ट हैं सेल की जो रिसीप्ट हैं वो आ गई। एंड देन मई की बात करते हैं तो मई में हमारे पास 70% आया 500,000 एंड 25% आया 500,000 का 350 एंड 125, और जून की जो सेल है उसका हम 75% ले लेंगे 70% लेंगे डेट इज 210,000 हमारे पास जून में आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो टोटल कैश रिसीव किया जा रहा है डेट इज 170,000, 400,000 एंड 335,000 अप्रैल में, मई में एंड जून में। तो अब वो जो वरिड थी कि जो कैश रिसीव किया जा रहा है वो पे किया जा रहा है तो कुछ आएगा भी कि नहीं आएगा, तो हमारे पास यह कैश भी आ गया है। सो दिस इज एंड ऑफ टुडे सेशन, आज हमने जो है बजट
ऑपरेटिंग बजट के बारे में बात की थी। उसमें हमने क्या किया था कि सबसे पहले जो है वो सेल्स फोरकास्ट की थी, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि प्रोडक्शन कितने यूनिट कितने प्रोड्यूस करने हैं, एंडिंग इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी है। देन उसके बाद हमने बात की कि डायरेक्ट मटेरियल जो हमें चाहिए वो कितना हमने परचेज करना है, वो हमने डिटरमिन किया। उसके बाद हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो डिटरमिन की अकॉर्डिंग टू अवर प्रोडक्शन। जब वो हमारी जो है डिटरमिंड हो गई तो फिर हमने उसके बाद बात की कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की। जब वो हमारे जो है मुकम्मल हो गए तो फिर उसके बाद हमने बात की थी आपके कैश रिसीप्ट्स की। तो जब कैश रिसीप्ट जो है वो हमारी मुकम्मल होगी तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में जो है वो इससे फर्दर जो है वो स्टेप्स लेंगे और देखेंगे कि आगे जो है हमने जब कैश रिसीप्ट जो सी हमारी कंप्लीट होगी तो देन व्हाट वी हैव टू डू। आई होप कि आप जो सा बुक्स की में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं उसको जो सा वो कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं और उसमें जो सा आप सक्सेसफुल होंगे, उसको कंटिन्यूसली करते रहें। और आज का भी लेक्चर जो सा उसको भी जो सा केयरफुली स्टडी करें, बुक में भी जो सा उसको मटेरियल जो दिया हुआ है उसको भी स्टडी करें, और मे बी यू विल फाइंड सम अदर इलस्ट्रेशन इन द बुक। और उसके बाद जो एट द एंड ऑफ द बुक जो प्रॉब्लम सी गई हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी much. Take care. Allah Hafiz.